ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, सब इस बात का ध्यान होना चाहिए, हर व्यक्ति का, जनता का सम्मान होना चाहिए, वर्दी किसी की भी हो, पुलिस की हो, आर्मी की हो, सबका सम्मान होना चाहिए। अगर देश का सैनिक का सम्मान नहीं है तो किसी का सम्मान नहीं है। ये थप्पड़ एक जवान के ऊपर नहीं है, ये तिरंगे के ऊपर थप्पड़ है, ये भारत के स्वाभिमान के ऊपर थप्पड़ है। ये हम हमारी भूतपूर्व सैनिक यूनियन ये बर्दाश्त नहीं करेगी, इसको हम उठाएंगे। और दरोगा जी के लिए हमने लिखा था, कब तक बिहार इन बातों के लिए चर्चा में आएगा, कि चर्चा में आज फिर से बिहार आ गया, चर्चा में आज फिर से बिहार आ गया। अब पुलिस के वर्दी में कोई रंगदार आ गया, पुलिस के वर्दी में कोई रंगदार आ गया, पूरे अखबार में रक्सौल का बाजार आ गया, और पुलिस की वर्दी में कोई रंगदार आ गया, पुलिस की वर्दी में कोई रंगदार आ गया। बिल्कुल मैं बोलूंगा, ये थप्पड़ लगा है तिरंगे किसान को, ये थप्पड़ लगा है तिरंगे किसान को, भारत के स्वाभिमान को, सेना के जवान को। एक वर्दी वाला वर्दी का श्रृंगार खा गया, एक वर्दी वाला वर्दी का श्रृंगार खा गया, और रंग पुलिस वाली की वर्दी में रंगदार आ गया। ये तलाशाही कब तक चलेगी? वर्दी सम्मान की चीज होती है, चाहे वो पुलिस की हो या सेना की हो। सीने पे गोली खाते जो देश के लिए, जाकर पूछिए, देखिए सेना पर क्या होता है। जब ये दरोगा साहब को 8 दिन का राशन पीठ पर लाद कर और जंगलों में बैठा दिया जाएगा, फेकड़ी बुला जाएगी इनकी, फेकड़ी बुला जाएगी। उन पे हाथ उठाते हैं, उनके लिए लिखा हूँ, सीने पे खाते गोली जो देश के लिए, खेलते लहू की होली जो देश के लिए, देश के जवान का उपकार खा गया, पुलिस की वर्दी में रंगदार आ गया। रंगदारी नहीं चलेगी, नियम कानून सबको सजा मिलनी चाहिए, कोई गलती होती है सजा मिलनी चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी। मैं इसलिए बुझाऊं कि पुलिस की वर्दी में देखो रंगदार आ गया, भागो भागो, मोतिहारी में सुशासन का सरकार आ गया, पुलिस की वर्दी में कोई रंगदार आ गया, रंगदार आ गया। औरत को थप्पड़ मारे चोरों से है डरता, औरत को थप्पड़ मारे चोरों से है डरता, न जाने किस कानून की है ड्यूटी को करता। औरत को थप्पड़ मारे चोरों से है डरता, न जाने किस कानून की ड्यूटी को ये करता। इसे देख कर लगता है कि भ्रष्टाचार आ गया, पुलिस वाले की वर्दी में रंगदार आ गया, रंगदार आ गया। मेरा पेज है फौजी की कलम से। अजय रवि जी, बिहार पुलिस में कुछ ऐसे पुलिस इसलिए बहाल होते हैं कि रोड पे ऐसे खुल के गुंडागर्दी कर सके? हाँ, इसीलिए बहाल होते हैं कि उनको तजुर्बा दिया जाता है कि छोटे छोटे होमगार्ड से 10-10 रुपए ट्रकों से वसूली गाय करवाई जाए, और ये यही इसीलिए बहाली होती है। और वो सरकार के सबसे करीबी होते हैं, कहे कि शराब तो बंद है बिहार में, तो जो शराब पास होगा, जो माफिया से पैसा आएगा, उसी के पैसा को जो है सरकार का आय वृद्धि किया जाएगा। तो पुलिस को सुधरने का जरूरत है, और पुलिस माफिया बन गया है, गुंडा बन गया है पुलिस। क्या लगता है रवि जी, पुलिस जो जैसलमेर की तपती धूप में 50 डिग्री में फौजी रहते हैं, अरे सर, सियाचिन ग्लेशियर लोग माइनस में रहते हैं, ये लोग गर्मी में एसी और ठंडा में जो है हीटर लगा कर बैठते हैं। जब ये लोग जाएंगे राजस्थान बॉर्डर पर, तब इनका उकास समय में आएगा, जब पसीना इसे बल 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 छुएगा। सियाचिन और एलओसी में जाकर जो है कारगिल में खड़े होकर -30 और -40 डिग्री में जिस दिन ये बंदूक थामेंगे ना, पेशाब इनका जाम हो जाएगा, पेशाब, तो इनको अवकाश समझ में आएगा। ये लोग क्या समझे वर्दी की कीमत है, ये लोग क्या जाने। इन लोगों को तो समय पर सैलरी मिलता है, इन लोग को तो मक्खन मिलता है, बंगला मिलता है, संसद भवन में जाकर बस गुटखा खाकर खिचड़ी करेंगे। ये लोग क्या करेंगे सम्मान एक आर्मी के जवान का। इनका बेटा आर्मी में होता जो है मां भारती के लिए जीता, तो समझ में आता। नेता का बेटा तो नेता बनेगा, वो भी मलाई चापेगा, फिर उसका बेटा उसका नेता बनेगा, वो भी मलाई चापेगा। तो ये किसी आर्मी के जवान का और उसके परिवार का, इस बेटी का और माँ का क्या दर्द समझेंगे? अरे सर, बचपन से सपना देखते हैं लोग, आर्मी का जवान बनाएंगे, आर्मी का जवान बनना है, दौड़ते हैं, भागते हैं, ट्रेनिंग
लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब एक जाकर सच्चा सिपाही बनते हैं। और वहाँ पर घुसखोरी नहीं होता है, इन लोगों को तो कसम भी दिया जाता है, साथ में ये भी कसम खिलाया जाता है कि तुम पुलिस वाले हो तो 10 रुपया घूस लेना है तुमको, तभी राज्य का आय और व्यय बढ़ेगा, तभी राजस्व में वृद्धि होगी। तो ये लोग घूस लेना जानते हैं, सेवा करना नहीं। जिस दिन पुलिस वाले सेवा करना सीख जाएंगे उस दिन सब लोग देश के एक एक लोग सुरक्षित हो जाएंगे। सेवा करने के लिए जरूरत ही नहीं, सेवा कर रहे नहीं, सेवा कर रहे आप नहीं, सेवा कर रहे हम नहीं, सेवा कर रहे हैं। प्रशासन कैसे सेवा कर रहा है? पुलिस ईमानदार हो जाए तो सेवा करना शुरू कर देंगे। कहां से ईमानदार होगी? गर्भ में पल रहे बच्चे पर लाठी बरसा देती है बिहार पुलिस। तो वही तो दिक्कत है ना इस देश में, इस बिहार में जो 50-50 साल के लोग दरोगा बने बैठे हैं, और जो शिक्षित पढ़े लिखे 10 साल के 8 साल के 24 साल 25 साल के नौजवान है वो पुलिस का लाठी खा रहे हैं। तो दुर्भाग्य ना बिहार का यार, आप लोग को रोजगार मिलना चाहिए, आप पुलिस में जाइएगा, हम जाना चाहिए पुलिस में ही जाना चाहिए, लेकिन हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और 60 साल के लोग, 50 साल के जितेंद्रवा जैसा लोग जो सिस्टम चला रहे हैं, यही रक्सौल से अभी दारू पास कराएगा। देखिएगा नेपाल से होली आ रही है ना, नेपाल से सारा दारू यही पास करवाएगा, वही का खाना, लेकिन उनको नहीं समझ में आएगा। हाँ, एक आर्मी का जवान समझ में आ जाएगा, उनके लिए सस्ता है। 10 गो आर्मी का जवान आकर रक्सौल पर खड़ा हो जाएगा, जितना मारेगा इनका चमड़ी उधर जाएगा, लेकिन कहाँ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। उसी रक्सौल के बॉर्डर से दारू गांजा चरस सब पार्सल होता है, लेकिन एक को भी नहीं पकड़ पाते, लेकिन एक आर्मी का जवान गलती हो जाती है तो रोड पे दौड़ा दौड़ा। आप 10 मिनट, आपके पास 20 मिनट में पुलिस नहीं पहुंचेगी। आप जाइएगा रक्सौल की गलियों में घूमिएगा तो कोई भी पुलिस डंडा लेकर खड़ा नहीं रहेगा। बॉर्डर पर लोग जो है झप्पी ले रहेंगे, वहाँ भी जो है सेना के लोग खड़े होकर रक्षा कर रहे हैं। इन लोग को तो सिर्फ और सिर्फ घुसखोरी के लिए पाला गया है, पुलिस बनाया गया है। निवेदन है टाउन में, रक्सौल टाउन में जो ट्रक पकड़े जाते हैं, रक्सौल टाउन में जो गांजा पकड़े जाते हैं, रक्सौल टाउन में जो चरस पकड़े जाते हैं, रक्सौल टाउन में जो स्मैक और तमाम गलत तरीके के चीजें पाए जाते हैं, वो बोडरवा क्रॉस कैसे कहा जाता है भाई? बोडरवा क्रॉस कैसे होता है? उनको कहा नहीं पकड़ पाती है, आर्मी के जवान से छोटा सा गलती हो जाता है। अपराधी अपराधी भैया, हम अपराधी पर कहां जा रहे हैं? भाई अपराधी पर अभी हम कहां गए? अभी हम कहां है? उधर डंडे नहीं सुनबे नहीं किया, आया कैसे? उसको पास कराया कौन? बॉर्डर पास कराया कौन? बॉर्डर पास कराइए दे रहे हैं, मुंह पकड़ाइए नहीं रहा है, सीना चौड़ा कर रहे आर्मी के जवान पर। पहले इसको सुधारिए, और सेना के जवान पर सीना चौड़ा मत करिए। हिम्मत है तो माफियाओं पर सीना चौड़ा करिए। दारू माफिया, बालू माफिया, स्मैक माफिया है ना, जाइए जरा सट के दिखा दीजिए, सारा उपाय लगा देगा। ये लोग जाएगा कमजोर के पास। रात में रक्सौल प्रशासन के चंद दलालों के द्वारा, आप लोग मीडिया कर्मी है, इतनी बड़ी बात हो गई है हमारे रक्सौल, जहाँ मैं नेतृत्व कर दिया दो देशों का, मेरा शहर बॉर्डर है, इंटरनेशनल शहर है। आप सभी चैनल वासियों, चैनल वालों से मैं, सारे मीडियागण से मैं एक विनम्र पूर्वक आग्रह करूंगी कि बेशक किसी दिन रात में आप आइए और देखिए कि एक ट्रक से, एक गाड़ी वाले से थाना के चंद दलालों के द्वारा कैसे पैसा वसूली की जाती है। इत्तफाक से मैं किसी के मदद में रात को निकली या रोटी खिला के आ रही हूँ या कहीं से आ रही हूँ, तो मैं मुझे देखते ही लोग भागना शुरू करते हैं। और रक्सौल इतनी छोटी शहर, इंटरनेशनल जगह, जहाँ इतनी बड़ी जाम की समस्या, इसलिए लोग देख के भागते हैं कि आप भी इस पुलिस प्रशासन के जैसे दलाली नहीं करती हैं, आप आवाज उठाती हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो कितना इतिहास है कि बिना जूता का दौड़ाई ऊपर भारी लोगों को कि आप लोग आइए देखिए यहाँ दलाली हो रही है या इस तरह से पैसा वसूली हो रही है। और वो फीवर में मुझे खबर मिला है, किसी अपने की गाड़ी पकड़ी या गए हैं तो कई एक गाड़ी को देखे, और बड़ा बाबू आ कैसे लोग माफी मांगे, आधा जूता में लोग दौड़ा है मेरे फोन पे, मेरा वो कहना नहीं है। आज के पहले मैं उस रक्सौल थाना के थानेदार और रंगदार लोग से पूछना चाहता हूँ, जिनसे मेरी बातें होती है, मैं पूछती हूँ कि आप लोग थानेदार है कि रंगदार? तो कहता है लोग कि थानेदार तो रंगदार होता ही। हमले किस लिए भाई, किस लिए? रंगदारी करना है तो किसी गरीब को इंसाफ देने में कराइए, पैसों वालों का दलाली करके रंगदारी मत कीजिए। थाना पीड़ितों, लाचारों, बेवसों के लिए है, ना कि पैसों वालों के लिए, क्योंकि पैसों वालों को कोई नहीं सताता। तो मैं उस थाने के जितने
थाना के वरीय पदाधिकारी उन सभी से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उस थाने के गेट पे एक एक दिन में ओवरलोड ट्रक से कई एक हत्याएं हुई, जिसका एक केस मैं अभी झेल रही हूँ उस आंदोलन का। 29 घंटा रोड जाम की शांति व्यवस्था में फिर भी प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर केस किया गया। ये ICP जब दो देश का प्रधानमंत्री चालू कर दिए थे तो अभी मेन रोड से गाड़ी घुसा के दो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, दोनों साइकिल से सो गए, एक बच्चे माँ को दूध पिला रही है और उसका ये सब कट गया, नीचे का बच गया, बेटा भी गया, माँ भी गई, पति बच गए। ऐसी कितनी अंजाम रक्सौल थाना के गेट पे इन चार चक्का 16 चक्का 10 चक्का की गाड़ियों से हुआ। कहाँ थी आपकी कानून व्यवस्था? कल उसी लक्ष्मीपुर में किसी एक महिला को किसी ठकुराई के द्वारा पीट कर उसका बच्चा नुकसान करवा दिया गया। कहाँ है रक्सौल प्रशासन, मैं पूछती हूँ। कल की बात है, अभी मैं 10 मिनट बात की हूँ थाना प्रभारी से। कहाँ है आपकी व्यवस्था, कहाँ है वो ताजगी जो एक देश के जवान को, जो है स्वाभिमान के साथ, आप देश के जवान के साथ नहीं, देश के साथ आप देश के आन बान स्वाभिमान के साथ खेले हैं। आपको जितेंद्र कोई क्षम कर देगा, देश की जनता नहीं माफ करेगी और ऊपर वाले माफ नहीं करेंगे। मैं पूछती हूँ इंस्पेक्टर से कि कल जो लड़की की पेट में बच्चा जो अभी रेफर आ रही है, आप लोग को लेकर चल रही हूँ सदर हॉस्पिटल, वो रेफर आ रही है और वही जगह पर जहाँ आर्मी मैन को अंजाम दिया गया है, उसी जगह पर एक महिला को पीट पीट के जो ठकुराई लोग आर्मी मैन को मारे, वही लोगों के द्वारा उस महिला